महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कई छात्र संगठन कार्यरत है जो हमेशा ही छात्रों के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसे में इस बार आर्ट्स फैकल्टी में ABVP की ओर से परिणाम वॉशरूम समेत के कई मुद्दों को लेकर आवेदन पत्र देने की कोशिश की। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर जब ABVP आर्ट्स फैकल्टी के डीन को आवेदन पत्र देने के लिए पहुंचा, तब वहां पर डीन मौजूद नहीं थे। फैकल्टी ऑफिस में डीन की ना मौजूदगी के चलते ये सभी छात्र नेता उनके ऑफिस के बाहर बैठ गए और सूत्रोच्चार करते हुए इस मामले में विरोध जताते हुए इन छात्रों ने अपनी मांगे साझा की। हर्ष भरवार की अगुवाई के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकरों की ओर से आज आवेदन पत्र देते हुए अपनी मांगों को साझा किया गया। विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक आवेदन पत्र मैम को दिया जाने वाला है, जिसके मुख्य विषय SY और TY के फीस पेमेंट को लेकर है। उनका अभी तक न्यू एडमिशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया, जिसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को। फीस पहले तो फीस पेमेंट नहीं होता, तो फीस पेमेंट की वजह से लाइब्रेरी पास और ट्रेन बस ट्रैवलिंग पास जो होते हैं वो सब नहीं हो, प्रॉब्लम होती है। फिर अभी जो न्यू एकेडमिक ईयर FY का स्टार्ट हुआ है, उन लोगों के लिए जो क्लासरूम एलोकेट किए गए हैं उसके अंदर उनको बैठने के लिए वहाँ पे कोई बेंचेस ही नहीं है, का तो कोई टीचर्स ही नहीं आता वहाँ पर। मतलब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट द्वारा जो रिजल्ट्स आए थे ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा जो चीटिंग या फ्रॉड केस में वो हुआ था, उन लोगों के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए, तो उन लोगों का भी फ्यूचर इन रिस्क है।